शुरुआत करते हैं दरअसल मानसरोवर इलाके से। मासूम बच्ची, 2.5 साल की मासूम बच्ची बरामद हो गई है। 12 घंटे के अंदर मानसरोवर पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। महिला ने बच्ची की पहचान छिपाने के लिए, यानी जिस महिला ने अगवा किया था इस बच्ची को, उसकी पहचान यानी बच्ची की पहचान छिपाने के लिए उसके बाल काट दिए। सेक्टर 27 से ये अपहरण हुआ था 2.5 साल की वर्तिका नाम की बच्ची का। कल शाम को 2.5 साल की इस बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने वाली महिला और एक नाबालिग भी गिरफ्तार की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई थी कल जब इस बच्ची का अपहरण हुआ था, और अब सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुई थी उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश जारी की। फिलहाल बच्ची अब सुरक्षित अपने परिवार वालों की गोद में आ चुकी है। मानसिक रूप से महिला यानी जो अगवा करने वाली महिला है वो कमजोर बताई जा रही है मानसिक तौर पर। लेकिन आपको बता दें कि ये बच्ची, कोशिश करेंगे कि अगर उस सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर आए, क्योंकि जिस तरह से महिला ने कहा तो जा रहा है मानसिक रूप से वो कमजोर है, लेकिन अपहरण की जो तस्वीरें सामने आई, अगवा करने की जो तस्वीरें आई हैं, उसके मुताबिक महिला एक तरफ थी, महिला के साथ एक नाबालिग बच्ची दूसरी तरफ थी, और दोनों के बीच में ये 2.5 साल की बच्ची को बहलाते फुसलाते लेते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये उठा के ले आई थी, इसकी माँ दूसरी लेने गई थी बच्चे को, बड़ी बड़ी बहन को लेने गई थी, तो इसको उठा के अचानक कोई ले गया था। आपको कैसे मालूम चला कि आपकी बेटी का किडनैप हो गया है? हमको मालूम नहीं चला था, 6:30 बजे से मैंने कोई ले गया था, किडनैप ही हो गया। आपने कब पुलिस को सूचना दी? उसके बाद में रात भर क्या हुआ? सर्च ऑपरेशन चलाया पुलिस ने? रात भर पूरी मेहनत करी थी पुलिस ने, सब शासन किया था, पूरा एसपी डीएसपी पूरा शासन हुआ था। आज कब मिली बच्ची, कैसे मिली, कहाँ मिली? ये 2:15 बजे मिली थी 42 सेक्टर में। मैंने सुबह जल्दी काम शुरू किया, वही टीम अलग अलग इलाकों में जाके ली। एक जगह हमको 45-46 सेक्टर में हमको थोड़ा सा हिंट मिला, फिर हमने उस फोटो को इसके परिजन से वेरीफाई कराया कि वो यही है कि हाँ यही है, तो फिर हम उस फुटेज से आगे बढ़े। आगे बढ़ते रजत पथ पर फिर जाके कोई ई रिक्शा में ये लोग बैठते हुए दिखाई दिए। इस तरीके से जहाँ जहाँ रिक्शा मूव हुआ वहाँ की फुटेज देखते हुए हम वहाँ तक आए, और फिर रिक्शा वाले को भी हमने वहाँ तलाश किया, तो उससे भी वार्तालाप हुआ कि हाँ साहब ये चीज़ हुई, तो फिर जाके नहीं अपन ये बच्ची को बरामद। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त आ रही है। उद्धव गुट की नेता के लिए आया हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के महाड़ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हादसे में दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में इस बड़े हादसे की। उद्धव गुट की नेता के लिए आया हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के महाड़ में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये लाल घेरे में ये हेलीकॉप्टर जा रहा था और बैलेंस इसका बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी दौरान ये नीचे आप देखेंगे ज़मीन पर धराम से गिरता है, क्रैश हो जाता है, पलट जाता है। लेकिन गनीमत राहत की बात यही कि दोनों पायलट यानी पायलट और को पायलट दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के महाड़ में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। खबर यह है कि हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारे को सभा में ले जाने के लिए आया हुआ था। जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ किसी ने अपने मोबाइल से ली है, दूसरी तरफ जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिर गया वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंखुड़ियां इस हेलीकॉप्टर की टूटी हुई हैं, एक तरफ को पलट गया है, और दोनों पायलट हालांकि सुरक्षित। दौसा में आगजनी के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 25 लोगों